तो गुजरात हाईकोर्टे गुजरात राज्य सरकार ने निर्देश कर्यो छे त्रण थी चार दिवस लॉकडाउन कर्फ्यू लगावी देवामां आवे त्यारे सूरत में उपस्थित छे मुख्यप्रधान विजय रूपाणी अने सूरत में संक्रमण सतत वधी रह्युं छे तेवा संजोगों में हवे सूरत में एक बैठक नुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे। तेवोनी साथे नायब मुख्यप्रधान नीतिन पटेल पण उपस्थित छे। आरोग्य अग्र सचिव जयंती रवि की अध्यक्षता में आ बैठक मळवा जई रही छे। सूरत कलेक्टर सहित अधिकारीओ पण आ बैठक में उपस्थित रहेशे। सूरत मनपा कमिश्नर आरोग्य कमिश्नर पण आ बैठक में उपस्थित रहेशे कारण के सूरत में संक्रमण सतत वधी रह्युं छे। आ संक्रमण सतत वधता सूरत में सीविल होस्पिटल ना सुप्रिटेन्डेंट नी तात्कालिक धोरण थी बदली पण करी देवामां आवी छे अने नवा सुप्रिटेन्डेंट बन्या छे डॉक्टर रागिणी वर्मा के तेओने चार्ज सौंपायो छे। जे प्रकारनी स्थितिनुं निर्माण थई रह्युं छे राज्य माटे राज्य सरकार माटे खूब ज पड़कारजनक आ स्थिति कारण के हवे खुद संक्रमण वधता गुजरात हाईकोर्टे पण दरमियानगीरी करवी पड़ी रही छे अने तेओए पण आदेश कर्यो छे निर्देश कर्यो छे गुजरात राज्य सरकार ने के त्रण थी चार दिवस कर्फ्यू लगावी देवामां आवे। संवाददाता संजय महंत। संजय जे प्रकारनी विगतो मळी रही छे सूरत में मुख्यप्रधान नायब मुख्यप्रधान उपस्थित छे अने आरोग्य अग्र सचिव जयंती रवि की अध्यक्षता में एक बैठक नु आयोजन राज्य में केटला कोरोना पॉजिटिव केसों सामे आव्या छे तेमांथी 30-35% जेटला केसों मात्र सूरत शहर में आव्या छे। एटले कही शकाय के सूरत शहर में कोरोना विस्फोट थयो छे। 650 करता पण वधु पॉजिटिव केसों रोजेरोज सामे आव्या छे। आवी परिस्थिति में गुजरात हाईकोर्टे छेवटे दरमियानगीरी करवी पड़ी छे अने हाईकोर्टे निर्देश कर्यो छे के राज्य में वीकेंड में एटले के 3-4 दिवस सुधी कर्फ्यू मुकवामां आवे जेथी करीने कोरोना की चेन जे छे ए तोड़ी शकाय। अने आ मुद्दे हवे सूरत नवसारी नजीक दांडीनी मुलाकाते आवेला मुख्यमंत्री अने नायब मुख्यमंत्री सूरत आवी पहोंच्या छे अने तेओ सूरत में जिला कलेक्टर ऑफिस में तमाम अधिकारीओ कलेक्टर म्युनिसिपल कमिश्नर साथ मीटिंगों दौर शुरू थई चुक्यो छे। तमाम धारासभ्य सूरत शहरना पण हाजर छे તેમની સાથે મીટિંગ કરવામાં આવી છે અને ખાસ કરીને મીટિંગનો મહત્વનો મુદ્દો એ જ રહેશે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટે જે નિર્દેશ કર્યો છે એના ઉપર અમલવારી કેટલી શક્ય છે, રાજ્ય સરકાર શું સ્ટેન્ડ લેવા માંગે છે એ નક્કી કરવામાં આવશે અને સુરત શહેરમાં કોરોના સંક્રમણ જે વધી રહ્યું છે તેને કાબૂમાં લાવવા માટે કયા કયા પગલાં જરૂરી છે એ પગલાં અંગે પણ મીટિંગમાં ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે। હાલ તો તમામ અધિકારીઓ સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી મુખ્યમંત્રી મીટિંગો શરૂ કરી ચૂક્યા છે। આભાર સંજય, તમામ જાણકારી બદલ પડેપડની વિગત આપણી પાસેથી મેળવતા રહીશું। તો સુરતમાં હાલ પહોંચી ચૂક્યા છે નાયબ મુખ્યપ્રધાન અને મુખ્યપ્રધાન અને ખાસ કરીને આરોગ્ય અગ્ર સચિવ જયંતિ રવિની અધ્યક્ષતામાં અહીં મહત્વની બેઠકનું આયોજન